प्यारे दोस्तों नमस्कार। 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट का फर्स्ट से लेकर फिफ्थ मतलब फर्स्ट पेपर हुआ था उसके मैथ चैप्टर को लेकर के भाग टू को मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आंसर की है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है 31 से चालू है, तीन ब्रांड ए बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदते हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए 12, बी 10, सी 5। क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह संख्या जो एक से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है, तो क्या है? 2520 को ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 का धन है तो उसके पास रुपये मतलब 5 और 10 सिक्कों की संख्या है तो इसमें होगा क्रमशः ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्रमशः 18 और 7। क्वेश्चन नंबर 36, मान ज्ञात करिए, तो इसमें 17.5 × 3 − 21 + 7 − 3 × 12.5 था, तो इसमें बोर्ड मास लगना था, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 12। क्वेश्चन नंबर 37, एक बाग के वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसमें 10 वृक्ष आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 प्रस्थान करती है और उसके गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पहुँचती है, इस यात्रा का कुल समय इसमें 40 घंटे 15 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2, 80 dm, 8 cm, 8500 mm, 8 m, 800 cm और 8 mm, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो 60 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 43, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 5 अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, चौपट टाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, केवल बी मतलब ग्राफ पेपर सूत्रों का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों पर क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो केवल बी ग्राफ पेपर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 46,
यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, डाइनिस ब्लॉक का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 47, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण में की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। क्वेश्चन नंबर 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकट को पहचानिए, तो तुलनात्मक जमा। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक संख्या में अंक की स्थिति इनका मान बताती है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के आधार अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बच्चों को प्रचुर आवास दिए जाने चाहिए कि वह दिक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 56, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्नलिखित है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें 2 सही है, इसका आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 2 सही है 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, इसका है, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और दहाई इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 57। क्वेश्चन नंबर 58, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है, जिसमें निम्नलिखित दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 150 रुपये होंगे। क्वेश्चन नंबर 49, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी? तो 7.07 ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 60, 1-5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 और इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, सौवें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, संख्या क्या है? तो इसको प्यारे दोस्तों आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।